हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। और मैं तोड़ रहा हूँ फूल। और फूल क्यों तोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट लोग आप लोगों ने देखा होगा गांव में खेड़े महाराज जी की जग थी, और आज है गोगा पीर जी का बसेरा। बहुत से लोग जानते होंगे गोगा पीर जी क्या है, तो फिर से वही अच्छी बात है। पर अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर चलिए दिखाते हैं आपको बसेरा क्या होता है। हम जा रहे हैं पूरे घर वाले फैमिली के साथ वहाँ पे गोगा पीर जी की जय करने। तो चलिए, तो यूवी कहाँ जा रहे हैं? हम पागल वाले बाबा के पास जा रहे हैं। अभी आप सामने गोगा माड़ी जी को देख सकते हैं। इनको गोगा जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म एक फल माने फ्रूट गूगल के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो कि गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल को दिया था। वही फल खाने के बाद माता बाछल को इनकी पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। इनको जहार पीर भी कहा जाता है क्योंकि यह हिंदू धर्म के इकलौते पीर हैं जो कि धरती में समाए थे। इनको राणा जी एवं बागड़वाला भी कहा जाता है क्योंकि जहाँ इनका जन्म हुआ था वह जगह राजस्थान के बागड़ क्षेत्र में आती है। अगर आप आज भी भारत का भौतिक मानचित्र देखें, मतलब फिजिकल मैप, उसमें आपको अरावली की पहाड़ियों के पास बागड़ लिखा मिल जाएगा। इनका पूजन भारत के उत्तरी राज्यों में जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर होता है। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी इनको पूजा जाता है। हर गांव में आपको लगभग इनकी माड़ी मिल जाएगी। जैसे लोग मंदिर में जाते हैं वैसे ही माड़ी में भी जाते हैं। और हर साल भाद्रपद के महीने, मतलब भादवे के महीने में इनका मेला किया जाता है, जिसे बसेरा भी बोलते हैं, और लोग अलग अलग रूप से उसको मनाते हैं। कई गांव में तो बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। तो भाई यहाँ ये है बागड़ वाले बाबा जी का, गोगा जी का निशान बोलते हैं जिसे। और यहाँ पे सभी जय करने के बाद इधर से लाइन लगी हुई है, माड़ी के अंदर जा रहे हैं सभी गोगा जी के जय करने के लिए। और उसके बाद इधर वापसी में यहाँ पे थान बने हुए हैं। जैसे ये जो थान है ये है गुरु गोरखनाथ जी का, जिनके आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। और ये है काली माता जी का थान। ये धूड़ी है बाबा जी की, गुरु गोरखनाथ जी की। और जो ये देख पा रहे हैं आप, ये घर से लोग फल बोलते हैं इनको, फल बना के लाते हैं, मीठे होते हैं खाने में, सभी लोग बना के लाते हैं अपने घर से। और ये थान जो है दो, ये माता काचल और बाछल जी का है। बाछल जो थी वो माड़ी गोगा जी की माता जी थी, और जो काचल थी उनकी मासी जी थी। और जो दो इधर स्थान है, एक नहार सिंह जी का है, एक समर सिंह जी का है, ये दोनों गोगा जी के साथ रहते थे, उनकी सेना पति थे। अब जैसे क्योंकि गोगा जी भी राजा थे अपने टाइम में, दड़दड़ेवा एक जगह है राजस्थान में, वहाँ इन्होंने एक टाइम पे शासन किया है। और माना जाता है पृथ्वीराज जी के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब उसी दौरान इनका राइन था, वहाँ पे शासन था। यूवी, तो यहाँ पे हलवे का प्रसाद बट रहा है। और इधर इधर कढ़ी चावल बट रहे हैं, कढ़ी चावल। तो यहाँ पे खीर का प्रसाद भी बट रहा है। सच बताऊँ आपको तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं अभी खुद खा भी रहा हूँ इसको। और इधर सभी लोग आ रहे हैं अब यहाँ पे जय करने को, मतलब गांव वाली भाषा में बोलते हैं कि धोख मार रहे हैं, अपने जो घर से फल लाए हैं वो चढ़ा रहे हैं बाबा जी पे। और
अंदर माड़ी पे जा रहे हैं और आज रात को यहाँ पे जागरण भी है रात को 9 बजे। तो भाई यहाँ पे चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कंटिन्यूसली और मैं अब घर जा रहा हूँ। बाकी रात को यहाँ पे जागरण है, देखते हैं अगर टाइम लगा तो पहुँचेंगे। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ यहाँ आने पे, अब मैं जागरण पे जा रहा हूँ। जागरण चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड साउंड में, तो दिखाते हैं आपको कुछ सीन्स। जिस टाइम माता जी ने हमारे बाजिया के बहन के बीच मार्ग दिखाया, कहन लगा के बेटी अलग जाकर सभी दुख भागा और सुख से बसा तेरा परिवार। जब इतनी आवाज माई बाजू के महल के बीच में सुनी जानी भाइयो अपनी बाजी ये जो इस टाइम सामने ये एक इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेके खड़े हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सरंगी। सरंगी है ये, एक फोक इंस्ट्रूमेंट है। और ये भाई साहब पे तो डमरू है ही। जिस टाइम आई वाचन ने पूछे बाबा जी ने के बेटी कहे का दान कहे में लेकर आई, के बाबा जी हीरे मोतिया का दान मैं सुनने के थाल के बीच में लेकर आई। तो भाई ये थे कुछ सीन्स जगराते के, जागरण के। और अब मैं जा रहा हूँ घर वापस। अक्सर क्या होता है वैसे कि जब बसेरा होता है जैसे गांव में, तो शाम के टाइम एक कहानी सुनाई जाती है कि कैसे गुग्गा पीर जी का जन्म हुआ, मतलब कैसे उनकी जो माता थी बाछल रानी वो गुरु गोरखनाथ जी से मिली, फिर उनका जन्म हुआ, फिर वो कैसे बड़े हुए, उनकी शादी और आगे ऐसे। तो कहीं जगह तो पूरी कहानी सुनाई जाती है, पर वो कहानी काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि बीच में फोक सॉन्ग्स भी होते हैं, जैसे कहानी के बीच में गाना आ जाता है और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स थे सरंगी और डमरू इनको बजा बजा के वो सुनाते हैं। और कहीं जगह कोई पर्टिकुलर किस्सा सुनाया जाता है, या जैसे गोगा जी का ब्याह सुना रहे हैं या गोगा जी का जन्म, ऐसे पर्टिकुलर कुछ किस्से सुनाए जाते हैं। तो ऐसे ही फिर अंत हो जाता है प्रोग्राम का। सो दैट्स All for today from my side. Let's see you in next vlog. Till then, like, share, subscribe. Okay, bye bye, tada.